Hello everyone, I am Dr. Gitika Jain, consultant obstetrician and gynecologist in Sanjeevani Hospital, Mokha, district Bikaner. तो जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये नवंबर मंथ हमारा प्रीमेच्योरिटी को अवेयर करने के लिए प्रीमेच्योरिटी अवेयरनेस मंथ की तरह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. प्रीमेच्योरिटी क्या है? प्रीमेच्योरिटी यानी कि समय से पहले प्रसव हो जाने को हम प्रीमेच्योरिटी कहते हैं. प्रीमेच्योरिटी 28 सप्ताह से लेकर और अगर 37 सप्ताह पूरा होने से पहले अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो उसको प्रीमेच्योर बेबी या प्रीमेच्योरिटी कहा जाएगा. अब इस बात पे हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि प्रीमेच्योरिटी को हमें रोकना है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो प्रीमेच्योर बच्चा होता है उसे कई तरह की दिक्कतों का, कई तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है. उसे सांस की प्रॉब्लम होती है जिसको हम HMD कहते हैं, जिससे उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है. उसके अलावा उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है, यानी कि उसका शरीर ठंडा पड़ सकता है क्योंकि उसके अंदर इतना फैट या इतना वसा नहीं होता है कि वो बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसकी ठंड को सहन कर सके. उसके इन सब के अलावा उसे सेप्टिसीमिया होना या फिर न्यूनेटल सीजर्स, जैसे कि फिट्स ताने जो हम कहते हैं, वो आ सकती हैं. उन ताणों का कारण हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है. और इन सब के अलावा उसको और भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि ऑक्सीजन थेरेपी से भी हो सकती है. अगर हमें एक प्रीमेच्योर बच्चे को काफ़ी दिनों तक ऑक्सीजन पर रखना पड़ता है, जैसे कि आप सभी को पता है NICU में रखते हैं, उसको ऑक्सीजन चलती है, उन कंडीशंस में कई बार उसको ROP, जिसे हम कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, वो ट्रीटमेंट का भी साइड इफेक्ट उसको हो सकता है और उसकी आंखों पर काफ़ी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है. तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा प्रीटर्म ना डिलीवर हो. बहुत सी ऐसी मैटर्नल कारण हैं, मैटर्नल कंडीशंस हैं जिनमें प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर होता है, जैसे कि अगर यूट्रस के अंदर सेप्टम है या यूट्रस का जो सर्विक्स है, मूव है, वो ढीला या छोटा है, या फिर किसी भी तरह का मैटर्नल इन्फेक्शन है जो कि इस प्रसव पीड़ा को टाइम से पहले स्टार्ट कर देता है. तो ये सभी कारण हैं. या फिर किसी किसी पेशेंट में इस तरह की प्रीवियस हिस्ट्री होती है कि उनको बार बार अबॉर्शंस या प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं. तो ये सभी कारण ऐसे हैं कि जो बच्चे को प्रीमेच्योर डिलीवर कराने में सक्षम हैं. तो हमें इन सभी कारणों को समय से सोनोग्राफी के द्वारा या फिर पहले की हिस्ट्री के द्वारा या फिर पेशेंट का खुद का BP, शुगर और इन सब इन्फेक्शन का टेस्ट करा के हमें ध्यान कर लेना चाहिए कि क्या इस मरीज को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है. तो उन्हीं सभी कारणों का या तो हम निवारण करें, या इन सब के बावजूद अगर वो पेशेंट प्रीमेच्योर लेबर में जाता है तो फिर उन्हें उस मदर को, बेबी को अंदर रखते हुए ही गर्भावस्था में ही हमें इस तरह के सेंटर में शिफ्ट करना चाहिए जहाँ NICU की सुविधा अच्छी हो, यानी कि एक टर्शियरी केयर सेंटर में उस मदर को हमें शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि जो भी हम अच्छे से अच्छा उस बच्चे के लिए कर सकें वो संभव हो. तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए. और नवंबर को हमने प्रीमेच्योरिटी मंथ की तरह सेलिब्रेट किया है. आप सबको अवेयर करते हुए मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई. धन्यवाद.